अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं? हम मुसलसल और कई दिनों से दुआएं कर रहे हैं लेकिन हमें अपनी दुआ कबूल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो आज बात करेंगे कि वो कौन से आमाल है कि जिनसे हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं और वो आमाल हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं, और दूसरी चीज़ कि दुआ के कबूल होने की निशानियां क्या है, अलामतें क्या है कि जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए, एक तसल्ली मिल जाए, एक सुकून मिल जाए, एक इत्मीनान मिल जाए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी दुआ कबूल फरमा ली है और हम पर ये निशानियां जाहिर हुई है, यकीनन अब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह आलिया में अपनी दुआएं कबूल करवा सके और हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल को अल्लाह तबारक व ताला की मदद से हल करवा सकें। आइए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि दुआ के कबूल होने के कुछ आदाब हैं, कुछ रियायतें हैं कि जिनका हमें अपने जहन में याद रखना ज़रूरी है। दुआ एक बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह तबारक व ताला को दुआ करने वाला शख्स बड़ा पसंद आता है और अल्लाह तबारक व ताला का करीबी बन जाता है वो शख्स कि जो अल्लाह से दुआएं करता है। और दुआ मोमिन का हथियार है और दुआओं से तकदीर बदल जाया करती है। दुआ के ज़रिए से बंदा अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करवाता है और दुआ के ज़रिए से बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है और अपने ज़िंदगी के मसाइल को, परेशानियों को और मुश्किलात को अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करके दूर करवा सकता है। लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं और वो आमाल हमारी दुआओं में रुकावट बन जाते हैं। क्या है वो चीज़ें? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अपनी कमाई हलाल बनाए। जो शख्स हराम कमाई के ज़रिए से अपने बदन को पालता है और फिर हराम कमाई का इस्तेमाल करता है और हराम कारोबार है, हराम तिजारत है, हराम बिजनेस है, इन तमाम सूरतों के अंदर जब बंदा ज़िंदगी के मसाइल से परेशान हो करके और फिर अल्लाह से दुआएं करता है तो फिर उसकी दुआएं कैसे कबूल होगी कि जिसकी कमाई हलाल है, जिसके बदन पर कपड़ा हराम का है, जिसकी ज़बान हराम खा रही है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की दुआएं कबूल कैसे फरमाएगा जिसने किसी पर जुल्म किया, किसी पर तशद्दुद किया, किसी का माल छीना, अपने भाई का माल छीना और पता नहीं क्या क्या जुल्म ज़्यादती दुनिया के अंदर होती हुई नज़र आती है। आप सब ही इन सारी चीज़ों से बाखबर है और वाकिफ़ है, आप सभी को मालूम होगा, आप सब देखते होंगे, ये सारे नज़ारे आपको नज़र आते होंगे कि आदमी अपने पेट भरने के लिए और अपनी कमाई के लिए क्या कुछ नहीं करता है जब आदमी का ईमान चला जाता है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अपनी जो कमाई है उसको हलाल बनाएं और हराम कमाई से बचने की कोशिश करें। जो बंदा हलाल कमाई करता है और फिर अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। दूसरी चीज़ के हम अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह तबारक व ताला से प्यार व मोहब्बत में दुआ करें और इस अंदाज से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे ज़रूर अता कर देगा, यानी यकीन के साथ दुआ करें और ऐसा नहीं कि हम जल्दबाज बन जाए कि हमें अभी का भी मिल जाए और अभी के अभी मेरी यह हाजत पूरी हो जाए, अभी के अभी मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए। इस तरह का इसरार और इस तरह की ज़बरदस्ती ये दुआ के आदाब के ख़िलाफ़ है। अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व ताला से कोई चीज़ छीनना चाहे, कोई नियामत लेना चाहे तो नहीं ले सकता, ये इंसान की कुदरत से, ताकत से, कुव्वत से बाहर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आता करता है वही उसे मिल सकता है, कोई छीन करके नहीं ले सकता। ये कायदा भी हमें याद रखना चाहिए, ये उसूल है और एक ज़ाबता है इंसानों के लिए कि वो कोई चीज़ छीन करके नहीं ले सकता है। तो हम अल्लाह तबारक व ताला से एक बेहतरीन अंदाज में दुआएं करें और पुरसकून इत्मीनान कल्ब के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत जो है अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह कर देगा और यकीनन उस शख्स की ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे। इसी तरीके से
दुआ करने के लिए जो है सबसे पहले हमें अपने गुनाहों से जो है तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। एक बंदा है कि जो गुनाह करता है और गुनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजारता है और गुनाहों में मुलव्वस रहता है, तो उसे सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिया में इस तरह दुआ करे कि अल्लाह मुझसे गलती हुई, मुझसे ख़ता हो गई और मैं अपनी ख़ता पर, अपनी गलती पर बड़ा शर्मिंदा हूँ और मुझे अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दीजिए और मैं आइंदा से ये गलती नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से यह अहद करे और यह अहद ले कि अल्लाह मैं आपसे अहद करता हूँ कि अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को माफ़ फरमा देता है जो बंदा अल्लाह से अहद करता है और अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है और दिल से उस गुनाह को गुनाह समझता है, बुरा समझता है और उस गुनाह की नफ़रत अपने दिल में पैदा कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे बंदे को फौरन माफ़ फरमा देते हैं। और फिर बंदा जो दुआ करता है अपने लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी ने लोगों पर ज़ुल्म किया, लोगों का माल दबा लिया या किसी को सताया या किसी के साथ ज़्यादती की है, इन तमाम सूरतों के अंदर जो बंदों के हक़ है, बंदों के हुकूक है, इंसानों के हुकूक है और इस ताल्लुक़ से उसने कोई जुल्म ज़्यादती की है, कोई गुनाह किया है, तो उनसे माफ़ी मांगना और उनसे अपने गुनाहों को माफ़ करवाना, यानी मुझसे गलती हो गई, मुझसे ख़ता हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, उस इंसान से अपने ख़ता की माफ़ी तलब करना, यानी उस इंसान से यूँ कहना कि मुझसे गलती हो गई है और आइंदा से मैं गलती नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जब वो बंदा माफ़ कर देता है और अगर किसी का माल दबा लिया है तो उसका माल उस तक पहुंचा दिया जाए और फिर उससे माफ़ी मांग ली जाए कि मैंने गुस्से में या नशे में या इस तरीके से मैंने जो है इस तरह की ज़्यादती कर दी है और मुझे माफ़ कर दीजिए और ये आपका माल है, आपका हिस्सा है, आप ले लीजिए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर यकीनन जब बंदा माफ़ कर देता है तो अल्लाह तबारक व ताला भी उस बंदे को माफ़ कर देता है और फिर जब वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करता है तो यकीनन उसकी दुआएं कबूल होगी। और इसी तरीके से जब हम दुआ करें तो दुआ करते हुए हमें अपने दिल में अल्लाह का इस्तेहज़ार पैदा करना चाहिए। क्या मतलब है अल्लाह के इस्तेहज़ार का? कि दिल में अल्लाह हो और हमारा जो ज़हन है, हमारी जो तवज्जुहात है वो अल्लाह की तरफ हो कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ को सुन रहा है और यकीनन वो मेरी दुआ का जवाब ज़रूर अता करेगा। तो इस तरह हमें अपने दिल को मुतवज्जे रखना है। ऐसा नहीं कि हम कर कुछ रहे, किसी काम में मशगूल है और दिल कहीं और है और ज़बान कुछ और मांग रही है, ज़हन कहीं और है, तो इन सारी चीज़ों में अल्लाह तबारक व ताला भी उस बंदे की तरफ मुतवज्जे नहीं होता है जिस बंदे का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता है। तो हम चाहे चलते फिरते अपने दिल में अल्लाह का इस्तेज़ार करते हुए दुआएँ करें तो भी वो दुआ कबूल होगी। चाहे कोई बंदा किसी जगह पर बैठ करके अल्लाह का इस्तेहज़ार दिल में रखते हुए और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ मुतवज्जे होते हुए दुआएं करता है तो उसकी भी दुआ कबूल होती है। कोई बंदा सफ़र में है, सफ़र में जा रहा है और अपने दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व ताला से अपने मकसद, अपने हाजत और अपनी ज़रूरत के लिए दुआएँ कर रहा है और उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, उसका ज़हन भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, तो उस बंदे की दुआ भी कबूल की जाती है। यानी जो बंदा मुतवज्जे नहीं होता अल्लाह की तरफ और ज़बान से कुछ कह रहा है, दिल कहीं और है, जहन कहीं और है, किसी और चीज़ों में वो डूबा हुआ है, सोचो फिक्र में डूबा हुआ है और ज़बान कुछ की कुछ मांगी जा रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या मांग रहा है, मैंने अल्लाह से क्या मांगा, तो इसी सूरत में अल्लाह तबारक व ताला की रहमत भी उस बंदे की तरफ मुतवज्जे नहीं होती है। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि जब भी हम दुआ करें और जहाँ भी हम दुआ करें और जिस वक़्त भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें तो हमारा दिल, हमारा जहन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ को सुन रहा है। इसी तरीके से दुआ के कबूल होने का यकीन हमारे अंदर होना चाहिए।
कि मुझे यकीन है कि मैं जो कुछ मांगूंगा अल्लाह तबारक व ताला उसे ज़रूर कबूल फरमाएगा और मुझे ज़रूर अता करेगा। इन इस चीज़ को हमें अपने जहन में रखना है और इस चीज़ को याद रखना है कि मैं जो मांगूंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ को कभी भी रायगा नहीं फरमाएगा, यकीनन वो कबूल करेगा। अब दुआ की तीन सूरतें हैं, उनको भी हमें अपने जहन में रखना है कि या तो अल्लाह तबारक व ताला दुआ करने की बरकत से उसे फौरन अता कर देगा जो चीज़ उसने अल्लाह से मांगी है, दूसरी चीज़ कि अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ के बदले में उसे कोई और चीज़ अता कर देगा और कोई नेमत उसे दे देगा, लेकिन उसे हो सकता है एहसास ना हो और उसे यकीन ना आ रहा हो। हो सकता है कई सारी चीज़ें ऐसी है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर उन नियामतों को निछावर करता है, लेकिन बंदे को पता नहीं चल पाता है कि ये किस दुआ के बदले में मुझे नियामतें मिली और जो चीज़ मांगे जा रहा है बस उसी के पीछे लगा हुआ। लेकिन ये है कि बंदे को एहसास कभी कभार नहीं होता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम अल्लाह से जो दुआएं कर रहे हैं उस दुआ के करने में हमारे लिए बहुत सारी सेफ्टी है और अल्लाह तबारक व ताला यकीनन कहीं ना कहीं से हमारे लिए रास्ते निकाल रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हमें अपनी दुआ पर यकीन ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो फौरन दे देता है या उस दुआ के बदले में कोई और चीज़ अता कर देता है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला की हर नियामत पर हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। फरमा गया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि तुम अगर लइन शकरतुम अगर तुम शुक्र अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम तो यकीनन मैं तुम्हारी नियामतों में इजाफा कर दूंगा, वलइन कफरतुम और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो इन अज़ाबी लशदीद तो फिर मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। तो हमें इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें जो भी नियमतें दे रहा है हो सकता है किसी न किसी दुआ के बदले में हमें दे रहा हो और अता कर रहा हो। अच्छा, तीसरी चीज़ यह है कि हमें इस चीज़ का यकीन हो कि अल्लाह तबारक व ताला ये जो दुआ मैंने मांगी है इसको हमारे लिए आखिरत में ज़खीरा बना करके रखेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हमें इसका सवाब इसका अजर और इसका बदला अता फरमाएगा। हमें दुनिया में तो नहीं मिली है किसी मसलिहत के नज़र और अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मसलिहत से वो चीज़ हमें दुनिया में तो नहीं दी, लेकिन आखिरत में वो हमें ज़रूर अता कर देगा। तो ये वो बातें मैंने आपको बतलाई हैं जो हमें दुआ करते वक्त ज़रूर जहन में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, तवज्जो में रखना चाहिए ताकि हमारी दुआएँ कबूल हो जाए। अच्छा, वो निशानियाँ और वो अलामतें कि जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए यकीन हो जाए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी दुआएं कबूल फरमा ली है। पहली चीज़ कि जब हमें दुआ करने की तौफीक मिल जाए तो ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तौफीक का मिल जाना दुआ के कबूल होने की अलामत और निशानी है। यानी जब भी हमें दुआ करने की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी तरफ तवज्जो फरमाई है और अल्लाह की रहमत हम पर मुतवज्जे हुई है तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हिदायत दी है और अब मेरी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि जब बंदा अल्लाह से बार बार कोई दुआ मांगता है और बार बार अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं कर रहा है और बार बार अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है और हर वक्त उसके जहन में और उसके दिल में अल्लाह तबारक व ताला का इस्तेहजार रहता है कि मेरा अल्लाह है और मेरी दुआएं सुन रहा है, तो अल्लाह का इस्तेहजार दिल में रहना और दिल से दुआएं करते रहना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहते हुए तो यह दुआ के कबूल होने की अलामतों में से है। और इसी तरीके से जब हम किसी जगह पर बैठ करके तन्हाई में मुसल्ले पर और फिर नमाज वगैरह का एहतमाम करके जैसे नफल नमाज है या तहज्जुद की नमाज है या दो रकात नमाज सलातुल हाजा है, जब ये नमाज़ें हम पढ़ते हैं या फिर जो है सलातुल तस्बीह है या फिर जो है सलातुल तौबा है या फिर फ़र्ज़ नमाज है या कोई वाजिब नमाज है, इन नमाज़ों को पढ़ने के बाद हम अल्लाह तबारक व ताला के सामने मुतवज्जे हो करके और दिल के इखलास के साथ जब हम दुआ करते हैं
तो ये दुआओं के कबूल होने की अलामतों में से हैं और दुआ की कबूलियत के अवकात में से हैं कि अल्लाह तबारक व ताला नेक अमल के बाद जो दुआएं की जाती है उन दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाता है। इसी तरीके से दुआ करते हुए आंसुओं का निकल जाना और अपने बदन के रोंगटे खड़े हो जाना, रुआओं का खड़ा हो जाना और अपने बदन में कपकपी तारी हो जाना, अल्लाह से एक उम्मीद लग जाना कि मेरे अल्लाह पर इतनी उम्मीद है कि यकीनन वो मुझे अता कर देगा और मुझे ज़रूर दे देगा, और इस उम्मीद से उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाना या अल्लाह के खौफ से आंखों से आंसू जारी हो जाना, या बैठे बैठे दुआएं कर रहा है और उसके बदन में कपकपी सी तारी हो गई, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो दुआ के कबूल होने की तरफ इशारा करती है। और अल्लाह तबारक व ताला बंदा जब दुआएँ करता है तो ये सारी जब चीज़ें और निशानियाँ और अलामतें बंदों के अंदर ज़ाहिर होते तो यकीनन ये दुआओं के कबूल होने की अलामतों में से है। तो हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो कौन से आमाल हैं कि जिनसे हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमारी दुआओं की कबूलियत की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी दुआएं कबूल फरमा ली है। इन दोनों चीज़ों को अपने जहन में रखें, अपने सामने रखें और फिर उसी तरीके से हम अल्लाह से दुआ मांगें, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला हमारे मसाइल को जल्दी हल फरमा देगा और हमारी परेशानियों को जल्दी ही दूर कर देगा। तो इस क्लिप को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी बातें समझने को मिलती रहे, सीखने को मिलती रहे और हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। और इसको शेयर कीजिएगा, हो सकता है कई लोग इन बातों के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करने वाले बन जाए और अल्लाह तबारक व ताला से मांगने वाले बन जाए और उनकी ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।